दशकों चले अदालती दांवपेच के बाद राम मंदिर पर फैसला आया और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। राम मंदिर के लिए गठित 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक दलित समुदाय से ट्रस्टी का होना जरूरी रखा गया, जबकि ट्रस्ट के सभी सदस्यों का हिंदू होना अनिवार्य रहेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के 15 सदस्यों में 9 स्थायी और 6 पदेन सदस्य होंगे। ट्रस्ट के डीड में ही 9 स्थायी सदस्यों के नाम दे दिए गए हैं, जिनमें एक दलित जाति और 8 ब्राह्मण समुदाय के लोगों को जगह मिली है। इसलिए ट्रस्ट के मौजूदा स्वरूप को लेकर सवाल और विवाद खड़े होने लगे हैं। क्षेत्रीय बनाम बाहरी के साथ साथ ट्रस्ट में ओबीसी समुदाय के सदस्य बनाने की मांग राम मंदिर आंदोलन में पहले पंक्ति में रहे नेताओं ने उठाई है। राम मंदिर के लिए अपनी सत्ता को दांव पर लगाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और अयोध्या आंदोलन का चेहरा रही उमा भारती ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में ओबीसी समुदाय के एक सदस्य को शामिल किए जाने की मांग उठा दी है। बीजेपी के ये दोनों नेता ओबीसी समुदाय से आते हैं और राम मंदिर आंदोलन में इनकी अहम भूमिका रही है। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को गिराने की नैतिक जिम्मेदारी लेने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा कि सरकार को राम मंदिर ट्रस्ट में एक दलित के साथ किसी ओबीसी को भी शामिल करना चाहिए। देश में ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है, ऐसे में मंदिर ट्रस्ट में कम से कम एक ओबीसी को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वो खुद ट्रस्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन एक ओबीसी को जरूर लिया जाए। राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई में शामिल और बाबरी विध्वंस मामले की आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने कहा कि ओबीसी समुदाय के किसी एक व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व ओबीसी समुदाय ने किया था, जिनमें कल्याण सिंह, विनय कटियार और मैं खुद शामिल थी। ऐसे में एक ओबीसी को ट्रस्ट में जगह मिलनी चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कि आला कमान कल्याण सिंह और उमा भारती की इस मांग को किस तरह से लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।